हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सैगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारी 30 डेज की पार्लर कोर्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक कोर्स बता रहे हैं। तो अभी का हमारा जो चल रहा है हेयर कट्स की क्लास चल रही है, तो उसमें हम आप लोगों को हेयर कट्स सिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपको जानकारी दे दें, अगर आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। जैसे कि हम इस कोर्स में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो किस तरीके से हो रहा है, क्या आपको करना होगा, इसकी फुल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इस सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है बेबी हेयर कट, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, बेबी कट करने से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका क्लाइंट होगा उसकी आप लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे। और इसके बाद आप लोग ईयर टू ईयर सेक्शनिंग करेंगे और आगे वाले जो बाल हैं इस पे हम लोग सेक्शन क्लिप लगा देंगे। इसी तरीके से हम लोग ईयर टू ईयर राइट साइड में सेक्शनिंग करेंगे और दोनों साइड हम लोग सेक्शन क्लिप लगा के बालों को सेपरेट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सेक्शन क्लिप लगा देंगे। इसके बाद बाकी बचे बालों को हम लोग पीछे तक दो भागों में इसको डिवाइड कर देंगे, इस तरह से पीछे। इस तरीके से टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। फिर सबसे पहले हम लोग पीछे के बालों को तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो कि इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग पहला पार्ट लेंगे, ये फर्स्ट सेक्शन है मेरा। ऊपर के बालों को मैं सेक्शन क्लिप लगा के सेपरेट कर दूंगी ताकि जब मैं कट करूं तब डिस्टर्ब ना हो। इसी तरीके से राइट साइड में भी मैं सेक्शन निकालूंगी और बाकी बचे बालों को सेपरेट कर दूंगी। अब हम लोग बच्चे का थोड़ा सा हेड डाउन कराएंगे, हल्का सा नीचे की साइड, और इस तरीके से सेंटर्स का एक सेक्शन निकालेंगे। और इतना हेयर कट हम लोग इसका गुड़िया का कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसकी मदर से पूछा कितना कट करना है तो उन्होंने इतना बताया है, तो हम लोग उनके अकॉर्डिंग इतना कट करेंगे। स्ट्रेट पकड़ेंगे, फिंगर की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से मैं इन हेयर्स को कट कर दूंगी। इसके बाद हमें गाइडलाइन मिल गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के सेक्शन को लेफ्ट साइड के सेक्शन लेंगे और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हेयर्स को कट कर देंगे। और इसी तरीके से हम लोग राइट साइड का सेक्शन पकड़ेंगे, गाइडलाइन ले लेंगे। गाइडलाइन आपको दिख रही है, ये गाइडलाइन है हमारी, इसके अकॉर्डिंग हम बाकी बचे बालों को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारा एक सेक्शन जो है वो कट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन ओपन करेंगे। छोड़ दो एक बार, मैंने आपको बताया था कि हमारे तीनों सेक्शन लगभग इक्वल होने चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से नेक्स्ट सेक्शन को निकाल लेंगे। इसी तरीके से राइट साइड का सेक्शन निकालेंगे। बाकी बचे बालों को हम लोग सेपरेट कर देंगे सेक्शन क्लिप से। अब फ्रेंड्स, जो हमारे कट की गाइडलाइन थी, हमें कितना काटना है वो हमें मिल चुकी है। अब ऊपर के बालों को जो हम लोग कट करेंगे तब आधा इंच नीचे से बड़ा रखेंगे, ताकि नीचे वाले बाल हैं बाद में आपको दिखा हो, कई बार आप कट देखते होंगे तो नीचे के बाल लंबे दिखते हैं, ऊपर का शॉर्ट हो जाता है, तो आप आधा इंच बढ़ाकर इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले सेंटर से हमने हेयर निकाले, थोड़ा सा हेड डाउन कराया, थोड़ा सा अच्छे से ग्रिप बनाएंगे हम लोग इस तरह से, और आधा इंच नीचे वाले से ज्यादा रखेंगे, गाइडलाइन से थोड़ा सा आधा इंच ज्यादा। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड आ जाएंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे, बालों में टैंगल्स नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट पकड़ेंगे बालों को और इस तरह से कट कर देंगे।
इसी तरीके से राइट साइड का सेक्शन अच्छे से कॉम करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे बालों को, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए फिंगर्स की, और आधा इंच मैं नीचे वाले बालों से इसको लंबा ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग निकालेंगे अपना लास्ट सेक्शन जो कि है थर्ड सेक्शन। बैक साइड में ले जाएंगे बालों को, सेक्शन क्लिप को ओपन कर देंगे, इस तरीके से अच्छे से कॉम करेंगे, फिर वही प्रोसेस रहेगा, लेकिन अब जो हमने आधा इंच लंबा लिया था उसी में बाकी बालों को मर्ज कर देंगे अच्छे से। पहले सेंटर का सेक्शन लेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे और ग्रिप बनाएंगे अच्छी सी बालों में, और बालों को स्ट्रेट कट करेंगे। जो हमने आधा इंच ज्यादा लिया था उसमें डालना है इन बालों को। फिर हम लोग लेफ्ट साइड के हेयर्स को पकड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, जितने आपके ग्रिप में आए आप उतने हेयर्स को पकड़ेंगे, बाकी हेयर्स को आप एक बार छोड़ देंगे और धीरे धीरे करके उनको लेते जाएंगे। इस तरह से आप बैक साइड में ही लाएंगे बालों को और कट करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग राइट सेक्शन को भी कट करेंगे। गाइडलाइन हमारे पास है थोड़ा सा ऐसे, अच्छे से कॉम करेंगे। अगर बाल ऊपर नीचे रहते हैं तो हमारा कट ठीक नहीं आता, इसलिए हम लोग कॉम को अच्छे से करेंगे, बिल्कुल टैंगल्स निकाल देंगे बालों में से। दो से तीन बार हम लोग कॉम को करेंगे, गाइडलाइन लेते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेयर कट करते जाएंगे। अब हम लोग का बैक का सेक्शन कट हो चुका है। अब हम लोग फ्रंट पर आ गए। फ्रंट में मैंने इस तरीके से एक सेक्शन निकाल लिया और बचे बालों को अच्छे से कॉम किया। गाइडलाइन मैंने पीछे से ले ली और ये जो बाल है मैं ईयर के ऊपर लाके ही कट करूंगी। हल्का सा आप टर्न कराएंगे बेबी का फेस, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बालों को कट कर देंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन खोलेंगे, कॉम करेंगे अच्छे से, और नीचे बचे बालों के अकॉर्डिंग इन हेयर्स को भी हम लोग कट कर देंगे। इस तरीके से जो बाल हैं उनको फिनिशिंग दे देंगे अच्छे से। देखिए गाइडलाइन ये रही, ये एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, इनको हम लोग निकाल देंगे। इस तरह से हमारा लेफ्ट साइड का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे राइट साइड, इसको भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे मिड ऑफ द आईब्रो से। फॉर्म करेंगे अच्छे से और बैक साइड से मैं जो है गाइडलाइन ले रही हूँ इस तरह से, और कान के ऊपर हमने सीधा रखा होगा शोल्डर के ऊपर बालों को, तो जो हमारा गाइडलाइन है वो ये रहा, बाकी ये रहा और बाकी बाल जो है वो एक्स्ट्रा है, तो इनको हम लोग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग नेक सेक्शन ओपन करेंगे, थोड़ा सा टर्न कराएंगे लेफ्ट साइड में बच्चे के नेक को, ताकि आप लोग इजिली कट कर सके। इस तरह से गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम ईयर्स को कट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग सारे बालों को एक बार चेक कर लेंगे इक्वल है कि नहीं है। तो हमारा बैक से और फ्रंट से कट हो चुका है। अब हम लोग फ्रंट से करेंगे इस गुड़िया का बेबी कट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बालों को आगे लेंगे। अब ये जो बच्ची है इसको बोलेंगे अपनी आईज क्लोज कर लो, आप ऐसे बंद करो, क्लोज करो, वेरी गुड। अब हम लोग इस तरीके से बालों को सेंटर से पकड़ लेंगे। सेंटर से हम लोगों ने सेक्शन उठाया। अब हम लोग इस सेक्शन को आईब्रोज के ऊपर अपनी दोनों फिंगर्स को रख लेंगे इस तरह से, और नीचे नीचे हम लोग जिगजैग कट करेंगे। सीजर को इस तरह से पकड़ लेंगे और जिगजैग कट करेंगे। अभी हम थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा आईब्रोज से ऊपर आए, लेकिन आईब्रोज के ऊपर ही आप कट करेंगे। आईब्रोज से अगर ऊपर ज्यादा कट कर देंगे तो हमारे जो बाल हैं थोड़ी देर बाद सूखने के बाद ये और ऊपर की साइड लिफ्ट हो जाएंगे, तो इसलिए हमको
थोड़ा सा नीचे ही बालों को रखना है। इस तरीके से हम हल्का हल्का ट्रिम करते जाएंगे और इस तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड को भी ट्रिम करेंगे। गाइडलाइन हमने सेंटर वाली ले ली और देखिए जो एक्स्ट्रा हेयर है उसको मैं स्ट्रेट ट्रिम कर रही हूँ इस तरह से। तो हमें कभी भी ऐसा सीधा कट नहीं करना चाहिए, हल्का हल्का ट्रिम करना चाहिए जिससे जो लुक है वो सुंदर आता है। कई बार आपने देखा होगा इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट कर देते हैं बालों को तो ये और ऊपर लिफ्ट हो जाते हैं, तो आपको इस तरीके से कट करना है। बट आंखें बंद कर लूं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा बेबी कट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ड्रायर करके, ब्लो ड्रायर करके अच्छा सा लुक इनको देते हैं, फिर आपको शेयर करते हैं कि हमारी जो गुड़िया का हेयर कट किया वो कैसा दिख रहा था। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आज का वीडियो बेबी हेयर कट कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय।